मात की है अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो कमीशन के लीक पढ़कर सुनाए लीक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास से मुतलिक है अटॉर्नी के मुताबिक आ, उन्होंने कहा कि आपका इस वक्त केस ये है ऑडियोज बादल नजर में दुरुस्त है चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा विफाकी हुकूमत ने इस मामले पर अभी सिर्फ कमीशन बनाया है हक जानने के लिए ही तो कमीशन बनाया गया है अटॉर्नी जनरल का जवाब क्या वफाक को इन नहीं कि ऑडियोज मुसदिका है या नहीं चीफ जस्टिस मुनी बख्तर का सवाल सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी क्या यह नहीं कि वजीर दाखिला इन ऑडियोस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जस्टिस मुनी बख्तर का ऐसा कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज भी चला दी गई चीफ जस्टिस मुनी बख्तर ने यह भी कहा आप किस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है चीफ जस्टिस ने कहा मफरूज़ा की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता इस केस में चीफ जस्टिस दस्तियाब थे जिन्हें कमीशन के क्याम पर आगाह नहीं किया गया चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया इन नकात पर आप दलाइल दें आप अदालती फ़ैसलों के हवाले पढ़ने से पहले कानून को समझें मैं पहले बेंच की तश्ील पर दलाइल दूंगा अटॉर्नी जनरल का ये कहना था क्या आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से तीन जजेस मुतनाज़े हैं चीफ जस्टिस का सवाल अगर इस पर जाते हैं तो आपको बताना होगा कि आपने किस बुनियाद पर फर्ज कर लिया कि हम इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हैं मैं चाहूंगा आप दूसरों से ज़्यादा अहम इशू पर फोकस करें चीफ जस्टिस ने सवाल किया दूसरा और अहम इशू अदलिया की आज़ादी का है मेरी तोहन अदालत की दरख्वास पर अभी तक नंबर नहीं लगा हनीफ राही ने ऐसा कहा तोहन का मामला अदालत और तोहन करने वालों के दरमियान होता है आपकी दरख्वास्त पर इतराजात हैं तो दूर करें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने कहा आप ये भी समझें कि किसके खिलाफ तो अदालत की कार्रवाई चाहते हैं